ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये दो महामंत्रों का उच्चारण आप लोगों के सामने किया गया। एक देव मंत्र, वेद मंत्र, बीज मंत्र, गायत्री महामंत्र है और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष किया गया। बंधुओं, आज सारी दुनिया कोरोना की महामारी से त्रस्त है, तो विश्व की पीड़ा निवारण के लिए शांति कुंज में निरंतर आध्यात्मिक प्रयोग किए जा रहे हैं और आज वैशाख कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातःकाल से सायंकाल सूर्यास्त तक गायत्री महामंत्र का अखंड जप चल रहा है। वैसे तो शांति कुंज के प्रत्येक क्षेत्र में गायत्री साधना पिछली अमावस्या से प्रारंभ हुई, नवरात्रि में निरंतर दोनों समय दो दो घंटे जप चलता रहा। वो आंशिक साधना में, सामूहिक साधना में हमारे सारे परिजन निरत थे, लेकिन आज श्रद्धा दीदी के निर्देशन में हम सभी लोग शांति कुंज के अंतावासी मिलकर के सामूहिक साधना कर रहे हैं। मंत्र के विषय में कहा गया है कि मंत्र की सत्ता और शक्ति सर्वत्र संव्याप्त है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। जैसे एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है, वैसे एक छोटा सा मंत्र समस्त देव शक्तियों को वशवर्ती बनाता है। और गायत्री मंत्र में तो ये उद्घोषणा की गई है कि ना ही गायत्री सम जाप्यम, गायत्री मंत्र के समान कोई जप नहीं है। महामंत्र जितनी जगमाही को गायत्री सम नाही, तो ऐसे वेद मंत्र गायत्री मंत्र की सामूहिक साधना के द्वारा विश्व का पतन और विश्व की पीड़ा का निवारण हो और चारों ओर जो आज हाहाकार मचा हुआ है, इस हाहाकार को हटाकर हम सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मंगलदायक परिणाम हमारे जीवन में उभरें। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख आपनीयात्। इस भाव के साथ शांति कुंज में आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सामूहिक साधना का क्रम, गायत्री महामंत्र का अखंड जप चल रहा है।
गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती, हमारे प्रारब्धों के कारण वो जल्दी फलित ना हो यह बात दूसरी है, लेकिन कभी भी निष्फल नहीं जाती है, उसका फल जरूर मिलता है। और इस समय विश्व की पीड़ा निवारण की प्रार्थना हम लोगों ने सुबह से शाम तक की है। महाकाल से, माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि युवा शक्ति ऊर्जावान बनी रहे, बच्चों पर कोई किसी प्रकार की विपदा ना आए, वृद्धों का, वृद्धजनों का मार्गदर्शन हमको सतत प्राप्त होता रहे, हमारी माता बहनें स्वस्थ सानंद सौभाग्यवती बनी रहे। इस सब भावना के साथ में सुबह से शाम तक जो भवन वाइज, जो ब्लॉक वाइज हम लोगों ने प्रार्थना की है, ये प्रार्थना ब्रह्मांड व्यापी परम पिता परमात्मा के पास अवश्य पहुँचेगी। और जो संकट महामारी के रूप में सारी दुनिया में छाया है, इसका निवारण अवश्य होगा, क्योंकि यह मंत्र केवल यहीं तक नहीं है, मंत्र की सत्ता बहुत दूर तक है। देवाधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनम देवता, सारे देवताओं के अधीन है ये संसार। कोई भी घटना होती तो कहते हा देव हा राम, लेकिन ये देवता परब्रह्म परमात्मा स्वयं मंत्र के अधीन है। और ऐसा मंत्र जब हमने जपा है तो सुनिश्चित रूप से आगामी उज्ज्वल भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का भी हमारे मन में कोई संदेह और भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं। शांति पाठ। ओम देवो शांति अंतरिक्ष को, शांति ही पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेति। शांति 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 सर्वार्थ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।